Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, class 7th. We are on page number 64, and today we will read the paragraph number 6. Hell seems to have risen close to the surface of the world that day. Us din aisa lag raha tha ki jahannam jo hai wo zameen ki satah ke bahut kareeb aa gaya. The place, the ground was too hot to walk on. Aur jo jagahein thi, jo ground tha wo bahut zyada garam tha, uske upar chalna mumkin nahi tha. And the air seared nose, throat and lungs. Aur iske ilawa hawa jo thi wo jala rahi thi naak ko, गले को और फेफड़ों को. रेड्स माइस ड्राइविंग फ्रॉम द बर्निंग बिल्डिंग्स स्कीड लाइक डेमोन अलोंग द स्ट्रीट. और जो चूहे थे वो जलती हुई इमारतों में से बाहर निकल के आ रहे थे और सड़कों के ऊपर इस तरह भाग रहे थे जैसे बदरुएं. एट वन टाइम एक वक्त ऐसा था एन एरिया 2 miles लॉन्ग एंड 1 mile वाइड वाज अ लाइट एंड बर्निंग. एक ऐसा वक्त था कि 2 mile लंबा और 1 mile चौड़ा इलाका जो था वो रोशन था और जल रहा था. द आर्मी वाज ब्लोइंग अप द बिल्डिंग विद द गन पाउडर नाउ. और आर्मी जो थी वो इलाके को उस इमारतों को जो है वो उड़ा रही थी गन पाउडर की वजह से. एडिंग टू द डिन. और इसके अलावा शोरगुल में भी इजाफा कर रही थी. एट 8 o'clock ऑन ट्यूसडे नाइट मंगल की रात 8 बजे अ क्राई वेंट अप विच टर्न द बुक सेलर हार्ट टू द प्रिंटर पल. और ऐसी आवाज़ बुलंद हुई जिसने बुक सेलर्स के दिलों को जो है वो तब्दील कर दिया. बुक सेलर के दिलों को जो है माइल कर दिया प्रिंटर के गूदे की तरफ. एस्टीपॉल वाज बर्निंग. एस्टीपॉल जो है वो जल रहा था. लीड स्ट्रीम मेल्ट एंड आउट ऑफ इट्स रूफ. और इसके जो शीशा था वो उसकी छत से जो है नीचे आ रहा था. पोरिंग डाउन इन कैटाटार. और वो कैटाटार डार्क से जो है वो आ रहा था. एंड इनकैंडेसेंट सिल्वर. और इसके अलावा जो है वो चमकदार सिल्वर की जो है वो शक्ल अख्तियार कर रहा था. चमकदार सिल्वर की तरह जो है वो नज़र आ रहा था. वो एक अबशार की सूरत में बह रहा था. ऑन टू द वांड इट पोर्ड. और ये कहाँ जा रहा था उनके जो मदफ़न लोग थे उनकी तरफ. मेकिंग अ बोन फायर. और ये अलाव बना रहा था द बुक्स एंड द पम्फलेट मैप्स एंड बाइबल. और ये किस चीज़ का अलाव बना रहा था. बुक्स भी थी उसमें पम्फलेट भी था नक्शे भी थे और बाइबल भी थे. ग्रेट बेल्स. और अजीम जो उनकी घंटियाँ थीं उनकी जो अजीम घंटियाँ थीं सेट स्विमिंग एंड रिंगिंग. और उन्होंने जो है वो झूलना शुरू कर दिया था और जो है बजना शुरू कर दिया था. एट हॉट अपडेट. इस अपडेट के ऊपर थे बिगेन टू लूज देयर शेप. और उन्होंने अपनी जो है वो शक्ल जो है वो ज़ाया करनी शुरू कर दी थी. अपनी शक्ल को बरकरार नहीं रख सकी थी. टू स्टॉफन एन बो. और बहुत ज़्यादा नर्म हो चुकी थी और वो झुक चुकी थी. टू स्टेज का मतलब होता है झुकना सेज झुकना. एंड टू मेल्ट इन ब्रिलियंट टोरेंट. और इसके अलावा ये तेज धार में जो है वो पिघलती जा रही थी. इट्स स्ट्रेंथ. और तो बड़ी जो आग थी वो अपनी लिमिट को पहुंच चुकी थी. आखिरी हदों को छू रही थी. द एक्सप्लोशन. और जो धमाके थे हैड फाइनली स्टार्व्ड इट ऑफ न्यू फूड. और उसने फाकों को चेंज कर दिया था एक नई खुराक में. आउटसाइड लंदन के बाहर इन द पार्क 100,000 पीपल हर्डल्ड बीवेल्डर्ड एंड होमलेस. तकरीबन 100,000 जो लोग थे वो वहाँ पर बैठे हुए थे और वो बहुत ज़्यादा हैरान थे और बेघर थे. एम्ड द फ्यू. और उनके दरमियान में से कुछ ऐसे लोग थे वर्ल्डली गुड्स हैव हैड मैनेज टू सेव. उन्होंने अपनी दुनियावी चीज़ें को संभाल ली थी आग के दौरान में. द क्रेडल कुछ ने झूला. एंड वाइल्ड बैरो कहते हैं ठेले को या रेड़ी को. कुछ लोगों ने रेड़ियाँ जो हैं वो संभाल ली थी. सेडन चेयर जो होती है वो मोटर कार को कहते हैं जिसके 2 या 4 दरवाजे होते हैं. द किंग ऑर्गेनाइज्ड रिलीफ सप्लाईज ऑफ फूड टू बी फेचर्स. और जो किंग था जो बादशाह ना उसने उनके लिए खुराक इंतज़ाम किया इन फ्रॉम द कंट्री साइड एंड पर्सनली एडमिनिस्ट्रेटेड द बिल्डिंग ऑफ द होमलेस इन द चर्च एंड इनिंग. और इसके अलावा उनकी नौकरियों का भी इंतज़ाम किया और अपनी ज़ेर निगरानी उनकी नौकरियों का भी इंतज़ाम किया जो लोग वहाँ पर थे उनको
जो बेघर लोग थे उनको चर्च में और इन्स में जो है वो नौकरियां प्रोवाइड की, बट दोज हु हैड लॉस्ट देयर होम्स, लेकिन वो लोग जिन्होंने अपना घर खो दिया था, अपने घर को छोड़ दिया था, सिंपली रोम्ड अबाउट द रून और अपने घर के मलबे के इर्द गिर्द ही घूम रहे थे, पिकिंग ओवर द एश और वो राख को उठा रहे थे ऑफ द हाउसेज, अपनी घर के जो जली हुई राख थी उसको उठा रहे थे एंड काउंटिंग द कॉस्ट और उसकी कीमत का अंदाज़ा लगा रहे थे, बार बार अपने जले हुए घर को देखते और उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाते थे ये लोग।